तो गाइज अभी आ गए हम एयरपोर्ट के अंदर, अब यहाँ से जो है लगेज वगैरह कराना है। यासीन भाई जा रहे हो आप? जी हाँ। कितने महीने की लगी? 3 महीने की। तो गाइज यहाँ पे जो है इतनी सारी शॉपिंग कर ली, एक चीज इधर है एक चीज उधर है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज स्वागत है आपका इस वाले ब्लॉग में, और आज के इस वाले ब्लॉग में हम फिर करने के लिए जा रहे हैं शॉपिंग। जैसे कि आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, उसमें भी हमने शॉपिंग की थी, लेकिन उसमें जो है हमारी शॉपिंग बाकी रह गई थी। तो इस वाले ब्लॉग में मैंने सोचा कि शॉपिंग कर लेते हैं, और शायद इस वाले ब्लॉग में हम शायद डिपार्चर कर जाएं, मतलब घर तक। ये वाला ब्लॉग जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मुकम्मल ब्लॉग आएगा एयरपोर्ट तक का, एयरपोर्ट के बाद का जो है ब्लॉग जो है इंशाल्लाह वो बाद में आएगा। क्या है, बढ़िया जा रहा हूँ मैं। और दोपहर के जो है अभी लगभग बज चुके हैं 2:15, और गर्मी का टेम्परेचर हो रहा है लगभग 45, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मोबाइल ज़्यादा हीट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लूँगा। और अभी जो है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भतीजे साहब का, क्योंकि उन्हीं के साथ जो है मुझे शॉपिंग करनी है, और वो ही मेरी शॉपिंग कराएंगे। पूरा 5 मिनट इंतज़ार कराने के बाद तब आएंगे। 5 मिनट हो गए इंतजार करते करते यार, इंतजार करते करते मुझे 1 घंटा हो गया भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। कब से? ओहो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी। अभी ये बताओ क्या क्या खरीदवाना है मेरे को? अंडरगारमेंट। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा तो ठीक है भैया, ये जो है बात कर रहे हैं, तो अभी जो है हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग मॉल में, और देखते हैं अब कहाँ पे जाना होगा कहाँ पे नहीं। एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके चलो एकदम। तो ठीक है फिर वहीं पे चलो, पीछे लोकेशन पे। कहाँ के लिए? अच्छा उसी घर के लिए। अच्छा किसको भेज दिया? अपने रिश्तेदार है। ये राइट साइड में है ये सुकल खुदार, और हमको इधर ही आना है, इधर सहरी प्लाजा में और मैक्स में, इन दोनों में ट्राई करना है। वो जो अल सहरी प्लाजा वो निकला बंद, वो आई थिंक असर के टाइम पे खुलेगा। अब सोच रहे हैं कि मैक्स में ट्राई करके देखें। इनकी बसंती जो है इधर खड़ी हो गई है, अब हम जा रहे हैं मैक्स में। अब मैक्स में जो है ट्राई करके देखेंगे वो सारा सामान जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी मैं आ गया हूँ मैक्स के अंदर, वैसे अभी मैं हूँ लेडीज सेक्शन में, और यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं वो सब सामान। सही तो नहीं इधर दिखाना, लेकिन फिर भी ये है बाजार से सामान लाने के लिए, नहीं बाजार से सामान लाने के लिए नहीं, लेडीज का बैग। और ये यहाँ पर है 70 सऊदी रियाल का, ये देख लीजिए। मैं सोचा कि बाजार से सामान लाने का बैग है ये। ऊपर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 इम्प्लॉइज हैं काम करने वाले, और हम 2 हैं। मैं तो कुछ दूसरे के पहनू हूँ, दे हुए कभी आपके तो कभी किसी और के। ये पसंद कर रहे हैं ये वाले जूते, क्या हुआ? और एक जोड़ी ये पसंद की है, ये ब्लैक वाले। तो पार्टियों अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले जूते, मतलब सेम टू सेम एक डिजाइन है। ये छोटे साइज का, यहाँ पे बड़े साइज का है। वैसे बन में बांस टेढ़े ही दिखाई देते हैं जनाब, अरे खुल भी नहीं रहे अभी। यहाँ पर ये वाले चप्पलों की बात चल रही है, तो इसका प्राइस यहाँ पर कितना अभी? ये तो नंबर है इसके 45 रियाल है, 45 रियाल है, ऑलमोस्ट इंडिया के 1000 हो रहे हैं ये वाले चप्पलों का प्राइस। लेकिन ये आई थिंक है लेदर है ना इसका लुक। एक ये वाली टी शर्ट देखी जा रही है, अगर इस टी शर्ट की बात करें तो इसका प्राइस है 45 रियाल जी, यानी 45 रियाल। शॉपिंग हो चुकी है यहाँ पर लगभग 450 रियाल की इस टी शर्ट को लगा के, और बस इतना ही काफी है। इसको लेकर चल रहे हैं अब कहीं और, क्योंकि और भी बाकी, अभी शॉपिंग करनी बाकी है अभी, और उसमें देखा जाएगा क्या क्या सामान लिया जाएगा क्या क्या नहीं। मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये छोटी वाली ट्रॉली लेकर जा रहे हैं, ये ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो है इतनी सारी शॉपिंग कर ली, एक चीज इधर है एक चीज उधर है, 400। तो 400 रियाल के आप बाकी कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने हो जाएंगे कितने नहीं। अब चल रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि कुछ सामान और लेना है अभी। वो अभी कहाँ जाने वाले हैं? लगभग 1 घंटे के बाद अभी आ गया हूँ मैं प्राइम मार्केट खोबर में, और यहाँ से जो है लेने हैं अबाया। अबाया एक अरबिक शब्द है जिसको हम बोलते हैं बुरके। अब बुरके जो है यहाँ से पसंद करने हैं, और देखने भी ये है कि पसंद आते हैं नहीं आते। इधर आ गया हूँ मैं इस टाइम एक अबाया शॉप पर, मतलब बुरके की दुकान पर। पकड़ भाई से जो तुम्हारी कमाई खावे, समझ रहे हो ना, पूरा खुला है। ओए है दबाने का। ओए है, यहाँ से जो है 2 बुरके खरीद लिए हैं, और यहाँ पे जो है डिस्काउंट में मिल रहे थे इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। और वो मैंने ट्राई भी करके देखे, वो पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक साइड में, आप देख लेना ठीक है। और वीडियो क्लिप तो मैं ले नहीं पाया, इसलिए पिक्चर ही मिलेगी। जाहिर सी बात, लेने के लिए ट्राई तो करना पड़ेगा नहीं। अभी जो है सारी शॉपिंग कर लिया, बस जाके जो है पैक करना है सामान। सामान तो मैं पैक नहीं कर पाऊंगा भाई, सामान पैक करेंगे के खुद ही, क्योंकि हमारे को तो बहुत ज्यादा काम है, इसलिए हम जो है सामान पैक नहीं कर पाएंगे। पता उन कपड़ों की टेंशन हो रही है। अब जा रहे हैं बिल्कुल रूम पर, और रूम पे जाके जो है हमें काम है, और इनको जो है पैक करना, और हमें जो है सीट बेल्ट लगानी है। ये जो लबन फरोला जब ये मठा है, अपने आप ही मिलता है मठा, तो ये इसकी बहुत ही इसमें गुलाब वाला पराग फैक्ट्री में। अच्छा भैया, हम पराग फैक्ट्री कभी गए ना, क्या करें। तो तुम
गरीब हो। तो अब जो है इस वाली वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और बाकी जो होगा ब्लॉग वो कंटिन्यू करेंगे रास्ते, क्योंकि अभी इनको जाके पैक करनी है जाने से पहले, इंशाल्लाह आपको सारा, क्योंकि सामान वगैरह तो ये पैक करके रख देंगे, मुझे कुछ और काम है तो वो काम पहले फाइनल करना, तो इसलिए इस वाली वीडियो को इंशाल्लाह यहीं पर रोकते हैं, मिलते फिर शाम में। इस वाले ब्लॉग के साथ एक नई दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि इस टाइम बज गए हैं 12:20 और आज का ब्लॉग यहां से फिर स्टार्ट करते हैं और मैं रेडी होकर आ गया हूं, क्योंकि हमारा प्रस्थान होगा दम्माम से लेकर इंडिया तक का, है ना। तो बस सामान वाम बिल्कुल पैक है और हम जो है बस खाना वाना खा के बस निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और सामान जो है इन्होंने पैक कर दिया था, ये जो है पाजी, इसको तो जानते ही है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इसको मरवाने का, टैप ऐसा करके। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो बैक पे टैप लगाने का। हाँ टैप लगाने का, बिरयानी पता चलेगा बिरयानी है कि मुर्गी डलेगी तो। और इधर हमारी तैयार है चिकन बिरयानी और ये कर रहे हैं पाजी, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे पाजी जा रही है, बस इतने रहने दो पहले यार, मान लग रहा हूँ क्या मैं नहीं। तो गाइस अब जो है जल्दी से हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है बाहर मिलेंगे सामान वामान रखने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं है इतना, 12:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। चार बैग बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल प्रस्थान करने के लिए तैयार है, अब यहाँ से ये वाला बैग उठाएंगे गाड़ी में रखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट दम्माम एयरपोर्ट। इधर अपनी ट्रॉली आ चुकी है, इस पर जो है रखने हैं बैग, तीन बैग हैं, मैं समझ रहा था रूम पर चार बैग हैं, सही से रखना, प्रॉब्लम ना पड़े कोई भी, हम कुछ देर के बाद बाय बाय करने वाले हैं। यासीन भाई जा रहे हो आप? जी हाँ। कितने महीने की लगी? 3 महीने की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश लग रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह यार, तो कहाँ है आप, कैसा महसूस लग रहा है आपको? मतलब अच्छा फील हो रहा है। अच्छा चलिए, बर्बाद होता तो अच्छा फील होता उसके बाद। चलिए आप चलिए, और जी हाँ अभी वो लिफ्ट बंद है इसलिए नहीं चल सकता। नहीं आप घर जाइए, इंशाल्लाह हम भी आते हैं इंशाल्लाह। तो गाइज अभी आ गए हम एयरपोर्ट के अंदर, अब यहाँ से जो है लगेज वगैरह कराना है, काउंटर वैसे ओपन हो गया तो मैंने सोचा अब इस वाली वीडियो को यहाँ पे एंड कर दिया जाए, तो भैया परेशान नहीं करना बिल्कुल भी शादी वाले दिन, समझ रहे हो ना, ठीक ठीक इंसान, इनको मेरे को नहीं, क्योंकि मैं नहीं जा रहा, ये जा रहे हैं भाई। इनका सफर जो है अल्लाह आसान करे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़े, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे खुदा इनको, बस यहाँ से इजाजत लेंगे और इसके बाद जो है हम चले आएंगे, क्योंकि अभी हमारा नसीब में नहीं है ना घर जाना, भी बेकार है भैया मैं तो टूट गया इसलिए, ठीक है तो हम तो इसलिए छोड़ना आ जाते। तो आज की इस वाली वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं और अल्लाह मा सलाम।